Assalamu alaikum dear students, today's lecture is introduction to SPSS. This is a statistical package for social sciences. In SPSS there are two windows. One window is called the variable view, in which variables are defined. From the bottom left corner you can view two types of the windows. This one, this is our variable view. In variable view, name is first defined, then its type is defined, the size of the variable is defined by the width. If variable is of fractional type, it means for example 2.5, 75.9, 95, then these type of variables values are called fractional values, in which decimal is introduced. And we have to define variable in such a way that this value, this fractional part can be accommodated. Girls, aapko awaaz aa rahi hai na? Yes ma'am, aa rahi hai. Okay. Yes ma'am, aa rahi hai. Acha, ab ye dekhiye isme. अब आपको क्लियर हुआ, इसमें सिंगल वैल्यू जो है, सिंगल वैल्यू वन डेसिमल प्लेस है इसमें. इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? इसमें टू डेसिमल प्लेसेस हैं. ठीक है, हाँ जी. अब कोई ऐसी वैल्यू और भी आप देख लें जिसमें वो तीन के बराबर होगा. बच्चे जरा आ जाए मेरी क्लास में. अब कोई ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल प्लेसेस, फॉर एग्जांपल वो है 5.798. अब ये ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज हैं वो भी है. हाँ जी, थ्री. हमने जब वेरिएबल डिफाइन करना है तो हमने नोटिस करना है कि उसमें मैक्सिमम कितने फ्रैक्शनल वैल्यूज आ सकती है, यानी कितने डेसिमल प्लेसेस तक जितनी आ सकेंगी ना मैक्सिमम, उसमें पॉसिबिलिटीज हमने डिफाइन करते वक्त डेसिमल का वो साइज रखते हैं. ठीक है. अब हमें पता है कि आपके मार्क्स जब फर्स्ट सेमेस्टर के आए तो आपके टेस्ट के मार्क्स अगर ऐड कर भी दें तो सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स हैं वो सिंगल डेसिमल प्लेस तक है. यानी कि अगर आपको टेस्ट के या असाइनमेंट में मार्क्स 2.5 मिल सकते हैं ना, 5 out of 5. ठीक है, लेकिन मिस ये नहीं देंगी कि आपके मार्क्स जो है वो 2.95 है, ऐसे नहीं देंगी. या तो वो 2 देंगी, या फिर 2.5 देंगी, या फिर 3 दे देंगी. ये पॉसिबिलिटीज है ना, कि इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है? आपके मार्क्स जो है नहीं है, यूनिवर्सिटी ने, हाँ जी, जी. अब यूनिवर्सिटी ने आपको अलाउ ये किया हुआ है कि डेसिमल के बाद सिंगल डेसिमल प्लेस. इसमें अगर होगी तो 2.0 लिखेंगे, इसमें होगा तो 3.0 आएगा. यानी डेसिमल को अगर सब में डालें तो सिंगल डेसिमल प्लेस इसमें अकर कर रही है. तो हमने जब डेसिमल को यहाँ डिफाइन करना है तो हमने 1 डिफाइन कर देना उसमें, क्योंकि ये 1 ही पॉसिबल है. लेकिन अगर आपके मार्क्स जो है वो मार्क्स नहीं है, कोई हाइट की बात भी कर लेते हैं. हाइट का डेटा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसकी हाइट 4 फुट है, 4.1, 4.2, 4.3, कितनी जा सकती हैं, 4.4, 4.5. ठीक है, फिर उसके बाद 4.6, 4.7, 4.8, फिर 4.9, 4.10, पॉसिबल है ना 4.10, और फिर 4.11 भी पॉसिबल है ना. क्या हम कह सकते हैं 4.12 नहीं कहेंगे, क्योंकि 12 इंचेस हो जाएंगे और वो खुद 1 फीट के बराबर हो जाएगा. ठीक है ना, 12 इंचेस जो है वो 1 फीट के इक्वल होते हैं. तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है. लेकिन 11 की तो है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस है. ठीक है ना, इसका मतलब है अगर हाइट का डेटा लें तो सिंगल डेसिमल प्लेस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट की हाइट 4.11 निकल आई तो फिर उसको भी तो लिखना होगा ना. तो
तो उसके लिए हमें डेसिमल प्लेसेस कितने लिखने होंगे, अगर हम वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करने जाएं तो हमें यहाँ पर डेसिमल में 2 लिखना होगा, नजर आ गया ये 2, ठीक है। अब आपने डिसाइड ये करना है कि इनमें से डेसिमल प्लेस का डेटा है भी कि नहीं है। अगर वो नहीं है डेसिमल प्लेसेस का डेटा, तो फिर हमें डेसिमल को क्या कर देना है, 0 डिफाइन कर देना है, यानी हमें पता है वो इंटीजर वैल्यूज है, नॉट फ्रैक्शनल वैल्यूज। जब वो इंक्लूड ही नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल वैल्यूज आ ही नहीं सकती उस वेरिएबल के अंदर, हम डाल ही नहीं सकते, तो फिर हमने उसको, जैसे आपके टोटल मार्क्स, जब सेमेस्टर के टोटल मार्क्स आए हैं तो आपने देखा कभी वो पॉइंट्स में नहीं होते, उनके अलाउड नहीं है ना। आपका यहाँ यूनिवर्सिटी में जो टीचर को असाइन करने की परमिशन है, वो डेसिमल फॉर्म सिर्फ आपको अलाउड है किसी असाइनमेंट में हो सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, किसी क्विज में हो सकते हैं, किसी टेस्ट में हो सकते हैं, और आपके उसमें भी हो सकते हैं, पेपर में भी, ठीक है, और पेपर के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी हो सकते हैं। इन सब में आपके फ्रैक्शनल मार्क्स अलाउड हैं, ठीक है, यानी कि डेसिमल अलाउड है। लेकिन जो आपके टोटल कब कर लेते हैं, कभी आपने अपना रिजल्ट देखा इस तरह से सारे बना होता है, ठीक है, यहाँ पे मिड टर्म का लिखा होता है कि मिड टर्म के अंदर ये सारे मार्क्स हैं, फिर ये फाइनल टर्म है आपकी, ठीक है ना, ये फाइनल हो जाता है और इधर आपका मिड आ जाता है, और इसमें भी आपके पॉइंट्स अलाउड हैं, यानी यहाँ पर भी पॉइंट्स अलाउड है, यहाँ भी पॉइंट्स अलाउड है। लेकिन जब इन सब को ऐड करके यहाँ टोटल बनाते हैं, ठीक है, आप जब टोटल बनाएंगे तो इसमें आपको अलाउड नहीं है, यह वैल्यूज जो है ना ये होल वैल्यूज होती है, इंटीजर वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा जी, लोग इतना शोर होना शुरू हो गया इधर। अच्छा, तो अब जब टोटल वैल्यूज यहाँ पर अलाउड हैं, तो फिर इस टोटल का वेरिएबल जो डिफाइन करेंगे ना, वो क्या होगा, उसका डेसिमल लेंगे 0, ठीक है। इसमें क्या लेंगे डेसिमल प्लेसेस, मिड और फाइनल के लिए 1, क्योंकि हमें पता है कि असाइनमेंट टेस्ट सब जो है, ये जो डेसिमल प्लेसेस है, ये पॉइंट के बाद सिंगल वैल्यू अलाउड है। तो जब सिंगल वैल्यू अलाउड है तो इसका डेसिमल क्या होगा, इसका भी डेसिमल 1 लिख सकते हैं और इसका भी डेसिमल 1 लिख सकते हैं, दोनों तरफ डेसिमल पोर्शन वो हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन जब टोटल वाला पार्ट करते हैं तो उस टोटल वाले पार्ट में डेसिमल, यानी कि यहाँ पर जो है इस तरफ से ठहरे में रब करती हूँ, अच्छा यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं इस तरफ, तो टोटल में क्या आएगा, आपने टोटल में कैलकुलेट करना होता है टोटल मार्क्स, फिर उसकी ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स के बाद क्या आती हैं, परसेंटेजेस भी होती हैं, ठीक है ना, परसेंटेज के अलावा क्या होती है इसमें, अटेंडेंस भी होती है, ठीक है ना, अटेंडेंस भी है, और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर। इस तरफ जो है कोई भी डेसिमल अलाउड नहीं है, यानी कि इससे ऑनवर्ड्स पोर्शन में कोई डेसिमल अलाउड नहीं है, तो सब इंटीजर वैल्यूज हैं, तो डेसिमल को क्या लेंगे हम, इसमें 0 ले लेंगे, ठीक है। चलिए मैं अब अरेज करती हूँ, हम कोई एक बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको, वैसे कुछ बच्चों ने अटेंड किया था तो मैंने उनको कुछ बनाने के लिए दिया था कि आपने अपने स्टूडेंट्स के जो क्लास में जितने 36 स्टूडेंट्स हैं या 38 जितने भी हैं, उनका आपने रिकॉर्ड बनाना है 38, यानी कि आपने 38 का डेटा एंटर करना है, और वेरिएबल्स कौन से रखने हैं, वो मैंने कुछ वेरिएबल्स आपको बताए थे कि आपने ये वेरिएबल्स डिफाइन कर लेने हैं। चलिए अब हम आज उसको दोबारा से देख लेते हैं। पहला वेरिएबल मैं आपसे कहती हूँ कि हम डिफाइन करने जा रहे हैं ये वाला, यहाँ पर पहला वेरिएबल हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है, तो नेम ही लिख दिया मैंने, चलिए या रोल नंबर लिख देते हैं, ठीक है, सबसे पहले रोल नंबर ओहो ये कौन बोल रहा है, ओहो कहाँ से मेरा ऑफ होगा, म्यूट करने की ऑप्शंस, आप लोग ना बार अपना म्यूट खुद ही करने लगे, वो पार्टिसिपेंट्स में आता है 27 आए मैं अभी, 10 स्टूडेंट्स आज एबसेंट है, हाँ म्यूट ऑन कर दिया मैंने। अच्छा जी, हमने रोल नंबर सबसे पहले डिफाइन किया, रोल नंबर कभी डेसिमल में हो सकता है, जी बताइए, जी फातिमा, ये
नो मैम, रोल नंबर नहीं हो सकता डेसिमल नहीं, तो हम इसका डेसिमल को जीरो कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब हमें पता, आपका रोल नंबर जो है ना वो फोर डिजिट नहीं है, आप लोग लिखते जरूर हो 7001 या 7002, आज मुझे वो आपकी अटेंडेंस शीट भी मिल गई है, लेकिन एक्चुअली वो उससे पीछे भी कुछ नंबर्स हैं। अगर टोटल बिट देखो तो टोटल, हाँ तो कितने आपके डिजिट्स हो गए, काउंट करके मुझे बताओ जरा। 7002 मैक्सिमम पॉसिबल लंबा नाम किस बच्ची का हो सकता है? हाँ बोलो। नहीं मैम, सैयदा आयशा सईद, चलो उसका सबसे लंबा है। चलो सैयदा का एस वाई ई डी ए, सैयदा के आगे पांच, उसके बाद हम एक स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। सैयदा के बाद क्या है? आयशा, आयशा ए वाई ई एस एच ए, 12 हो गए, स्पेस डाल के सैयदा आयशा 12 के हो गए, और उसके बाद क्या है सैयदा आयशा? सईद, 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 फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर सईद का एस ए डबल ई डी, तो ये 15, 16, 17, 18 डिजिट हो गए। चलो हम ऑन द सेफ साइड इसको 20 ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिक नहीं होगा। जब हमने इसको क्लिक किया तो आप देखें आपके सामने कितनी सारी ऑप्शंस नजर आ रही है, नजर आ रही है ना, ये सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें से हमने नेम के लिए ना स्ट्रिंग लेने हैं, नजर आ गए स्ट्रिंग। जब भी आपने नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, योर एड्रेस लिखना है, या जिसमें अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो आपने कौन सी चीज लेनी है यहाँ से? स्ट्रिंग। चलिए जब मैं स्ट्रिंग को क्लिक करने लगी, जब मैं स्ट्रिंग को क्लिक करूंगी ना, ये सर्कल जो है ना वो देखें सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया ना ब्लू कलर का, ठीक है। इसका मतलब बाकी सब अनचेक्ड है, और इनमें से एक ही वक्त चेक, एक वक्त में एक ही चेक हो सकता है। हमने यहाँ से ओके कर दिया, चलिए डन हो गया। अब हम जब ये ओके कर दिया तो स्ट्रिंग टाइप का आ गया। अब हमने अभी चूज किया था कि इसके देखें यहाँ पर अप एरो एंड डाउन एरो दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। हम इसका साइज जो है इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट जो है इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसको रब करके 20, और अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहें तो हम इस एरो से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो ही आपने स्ट्रिंग लिया यहाँ पर 20 का स्ट्रिंग टाइप का लिया, तो आप देखें कि इसकी नाम का साथ ही मैयर जो है खुद ब खुद नॉमिनल हो जाएगा, क्योंकि इसने होना ही नॉमिनल है। जब भी स्ट्रिंग होगा, न्यूमेरिक होगा, तो न्यूमेरिक की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसलिए उसने अननोन लिख दिया। आपकी चॉइस है कि आपने इसमें से कौन सा चूज करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसने अननोन कहा है, हमने इसको सिलेक्ट करना है, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम? यहाँ अननोन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप देखें कौन कौन से खुल गए, स्केल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, ठीक है। अब आपने इसमें जो मैं दोबारा क्लिक करने लगी हूँ इस पे, देखें स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, नॉमिनल तो नहीं करना, हमने पहले दो में से एक रख सकते हैं, ठीक है। नॉमिनल तो अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग में भी हमने नॉमिनल लिखा है, यानी कि ऐसी चीज जिसमें कोई बड़ा छोटा होने का कोई कंपैरिजन नहीं है, जैसे नेम है, इसमें से कोई नाम बड़ा या छोटा तो नहीं हो सकता ना। जबकि अगर 5 और 10 है तो हम कहते हैं 5 is less than 10, या हाइट है 4.5 और 4.9 तो हम कहते हैं 4.9 is greater than 4.5। उसमें लेस और ग्रेटर यानी कोई कंपैरिजन मेड कर सकता है। जब भी कंपैरिजन होगा तो आपने जो वेरिएबल की टाइप चूज करनी है वो आपने कौन सी चूज करनी है, स्केल या ऑर्डिनल, ठीक है, स्केल टाइप का या फिर ऑर्डिनल टाइप का, ठीक है। नॉमिनल चूज करना है जब भी आपने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रखना है, ठीक है जी। अब आपने एक तो ये खुद ही सिलेक्ट हो जाता है, राइट लेफ्ट, अगर आप चेंज करना चाहें तो करने दें, कर लें, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है आपने उसको आने देना है। आपने जो चीज सेट करनी है, एक तो इसको नेम को, टाइप को बहुत ही ध्यान से देखना है, उसके बाद आपने देखना है मैयर को, ठीक है। और टाइप के साथ साथ साइज वो खुद ब खुद भी ले लेता है, वो बात भी हम चेंज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, हमारी मर्जी हम चेंज करें, लेकिन तीन चीजें मस्ट है। एक आपका नेम, यानी वेरिएबल नेम आपने खुद जरूर डिफाइन करना है, उसकी टाइप आपने जरूर डिफाइन करनी है, और आपने उसका मैयर डिफाइन करना है। अगर आपने ये तीनों में से कोई भी एक चीज मिस कर दी, कोई गलत हो गया, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इन तीन चीजों को आपने केयरफुली कर लेना है। अब आप देखें अलाइनमेंट, मैंने कहा इसकी मर्जी है, जो मर्जी कर रहा है। अगर डेसिमल को आप रोल नंबर में डेसिमल आ भी गया ना, अगर कि आपके रोल नंबर के साथ लिखा था, लिखा हुआ है 0.0.0, हर एक के रोल नंबर के साथ आए 0.0, तो कोई मसला नहीं होगा, बस देखने में अच्छा नहीं लगेगा, अदरवाइज मसला कुछ नहीं होने वाला, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा आपका, सारे एनालिसिस भी हो जाएंगे, हर मैयर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डेसिमल भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको हैंडल करें।
विड्थ छोटी बड़ी भी हो जाए, अगर मैंने यहाँ पे नेम में 20 ना लिखा होता, यहाँ पे 15 लिखा होता या 10 लिखा होता, तो क्या होता, आधा नाम लिखा जाता आधा नाम वो गायब हो जाता। चलो कुछ ना कुछ नाम तो आ ही जाना था ना, एरर नहीं होना था उसे, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों चीजें जो है इसको हम कहेंगे ये ऑप्शनल है, आप इसमें सेटिंग करें या ना करें। हम दो रोल, एक रोल नंबर लिखा हमने, एक नेम लिखा। अब मैं एक वेरिएबल आपसे कहती हूँ, हम डिफाइन करते हैं उस बच्चे की वेट को। चलो जी वेट लिख लेते हैं, डब्ल्यू ई आई जी एच टी, अच्छा वेट लिख लिया। अब हम लिख लेते हैं, चले जी मार्क्स भी लिख लेते हैं, एम ए आर के एस, चलो ये वेरिएबल भी हो सकता है। स्टडी अंडरस्कोर टाइम, स्पेस अलाउड नहीं है, याद रखिए वेरिएबल में स्पेस अलाउड नहीं है, कोई पॉइंट अलाउड नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फाबेट कोई भी हो सकते हैं, कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, नो इश्यू। और कोई नंबर भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं मतलब 9 and 0। और ये अंडरस्कोर, ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है ना, ये इसे कहते हैं अंडरस्कोर। हाइफन अलाउड नहीं है, ये अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है, बस यही अलाउड है। इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल करेक्टर आप इसके वेरिएबल में देंगे तो मसला हो जाएगा। अच्छा हमने तीन वेरिएबल्स के नाम लिख दिए, अब हम क्या करेंगे, हमने ये करना है इनकी टाइप्स डिफाइन करनी है। जाहिर है वेट भी न्यूमेरिक टाइप का होता है, ठीक है, न्यूमेरिक ही होता है ना, वेट भी न्यूमेरिक टाइप का है आपका, उसके बाद आपका मार्क्स भी न्यूमेरिक है और स्टडी टाइम भी न्यूमेरिक में है, ठीक। अब इसकी ये जो है ये इन्होंने बाय डिफॉल्ट 8 और इसका बाय डिफॉल्ट 2 सेट कर देते हैं, तो हम इसको नहीं छेड़ते, जाने दो। वेट भी ऐसी टाइप लेते हैं 2 डेसिमल तक, और मार्क्स भी हम ऐसी डेसिमल में लिख देते हैं। अगर इंटीजर में बनाने हैं तो हम इसको मार्क्स को कर देते हैं यहाँ से, इंटीजर इंटीजर बनाना हो तो इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे इसको यहाँ से। चलिए जी मार्क्स 0 हो गए। स्टडी टाइम हम 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं, हम 1.5 घंटा भी पढ़ सकते हैं, हम 1.25 घंटे भी पढ़ सकते हैं, तो इसको भी हम डेसिमल में रहने देते हैं। लेकिन कौन सा डेसिमल हो, बस 2 डेसिमल तो के 1.30 minutes, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं ना मैक्सिमम, तो इसके डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। अच्छा लेबल्स में आपने इनकी नेचर लिखनी है, यानी हम किस टाइप का, हम अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लेबल लिखते हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लेबल किया, मैं कहती हूँ रोल नंबर ऑफ एम्बेसी स्टूडेंट्स, अब इतना बड़ा मैं अपने लिए लिख रही हूँ रोल, यहाँ पे आप जो मर्जी लिख लो नंबर, देखो नंबर साइन डाल दिया, ऑफ एम्बेसी स्टूडेंट्स, पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमने पॉइंट्स डालने हैं तो एम से और एस सी के बाद एमएससी स्टूडेंट्स अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। चलो जी स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, यही हम मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर और नीचे लिखती हूँ कि ये अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसमें लिख रहे हैं नेम, रोल नंबर की जगह मैं लिख देती हूँ नेम ऑफ एमएससी स्टूडेंट्स, पार्ट 1 पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर, कुछ भी लिखना चाहो, ठीक है। वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, चलिए जी वेट लिख देते हैं, ठीक, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, चलिए जी। उसके बाद क्या लिखें जी, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम मार्क्स ऑब्टेन्ड, एंड आप लोग इस वक्त थर्ड सेमेस्टर में हो ना, तो चले फर्स्ट सेमेस्टर का तो रिजल्ट आ ही गया हुआ है, ठीक है, या आप लिख सकते हो इन पार्ट 1, यानी दोनों सेमेस्टर्स के इकट्ठे एक्यूमुलेट होके आगे पार्ट 1, एमएससी पार्ट 1, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, स्टडी टाइम, टाइम कंज्यूम्ड इन स्टडी, यूटिलाइज इन स्टडी, यूटिलाइज लिख सकते हैं, यूटिलाइज्ड इन स्टडी। चलिए जी हमने ऐसे इनके कुछ भी लेबल्स कर लिए ताकि उस वेरिएबल की नेचर के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। वैल्यूज, वैल्यूज हमने उस वक्त असाइन करनी है जब उसमें कुछ कैटेगरीज बन रही हों। जैसे अगर मैं कहूँ एक नंबर लाइन है, ठीक है, इस नंबर लाइन पे हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोई चीज़ है उसकी वैल्यूज हैं तो हमने उसको कैटेगरी 1 कह दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देने लगी हूँ, ये कैटेगरी 1 कह दिया, यहाँ से यहाँ तक है तो हमने कह दिया ये कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 3 है, ये कैटेगरी 4 है और आखिरी यहाँ तक की कैटेगरी 5 है। अब एग्जांपल देखें, अगर मैं कहूँ वेट, तो मैं कहती हूँ कि ऐसी बच्चियां जिनका वेट 40 केजी से लेस है, ठीक है,
लेस देन यानी वेट इज लेस देन 40 केजी, तो क्या होगा, हम इनको क्या कहेंगे, स्लिम कह सकते हैं ना, अंडरवेट कह सकते हैं ना, यानी हमने कुछ उनको एक कैटेगरी बना दी। फिर हम कहते हैं 40 से 50, 40 to 50 ये रेंज है, ये 50 पे कट पॉइंट आया, अब ये 40 पे आया, इसका मतलब है अगर इस रेंज में आ रही है किसी की तो हम कहते हैं ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अगर 50 से ऊपर 60 तक है हम कहेंगे स्लाइटली ओवरवेट। आप लोग ना सब लोग अब सोचने लगे होंगे हम पता नहीं किस कैटेगरी में आते हैं, किसी में तो आते ही होंगे। और जो 60 से चले 60 से 65 कर लेते हैं, ठीक है, हम इसे कहेंगे क्या कहें, अबव नॉर्मल, ठीक है। और मोर देन 65 इसकी अपर रेंज ही कोई नहीं है, यानी कि 100 तक जा सकती है, 200 तक जा सकती है, ठीक है, इसको कहते हैं ओबीस है, इसको कहेंगे दिस इज ओबेसिटी, ठीक है। यहां से मेरी स्क्रीन थोड़ी खराब है, दिखाई नहीं जा रहा, पर ओबेसिटी है ऐसे में लिखा गया। अच्छा, अब ये हमने इसमें जब रेंजेस दे दी तो इसको हमने यहां पर कहां डिफाइन करना है, वैल्यूज में जाकर, किस वेरिएबल को, वेट के वेरिएबल को, ठीक है। अगर हमारा वेरिएबल यहां पर इस तरह का है, मार्क्स का ही है, तो मार्क्स में ग्रेडिंग भी तो हो सकती है ना, ठीक है। हम कहें जी अगर हमने उसके 40% मार्क्स डाले हैं तो उसको बस कहे पास, अगर उसके 40 to 50% है तो हम कहें जी सी ग्रेड है इसका, फिर हम कहें जी बल्कि डी ग्रेड है, ठीक है। अगर हम कहते हैं इसके मार्क्स आए हैं, ये मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है, ये वाली वेट की बात हो रही थी। अगर उसके 50 से लेकर 60 तक मार्क्स हैं तो हम कहेंगे जी ये सी कैटेगरी है, 60 से 70 तक मार्क्स हैं तो हम इसे कह रहे हैं कि ये चलो जी बी कैटेगरी है, और जब 70 से 80 के दरमियान है तो हम कह रहे हैं कि ये ए कैटेगरी है, और हम कहते हैं इससे अबव है तो वो ए प्लस कैटेगरीज है। जो कैटेगरीज बन जाती हैं तो हम उस कैटेगरीज को किस में डिफाइन करते हैं, वो कैटेगरीज आपकी डिफाइन होती हैं इस वैल्यू में, ठीक है। अब हम वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको सबको क्लियर करती हूँ, ये क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अब देखें हम किसकी कैटेगरी बनाए, हम मार्क्स की बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स की, ठीक है। मैंने वैल्यूज में जाकर यहाँ क्लिक किया, ये तीन डॉट्स आ गए, नजर आ रहे हैं ना तीन डॉट्स, इन तीन डॉट्स को मैंने क्लिक किया, इन तीन डॉट्स को क्लिक किया, एक विंडो आपके सामने यहाँ पर और खुल गई है, ठीक है। इस विंडो में यहाँ पर एक वैल्यूज डाल ली हैं और उसके लेबल्स डालने हैं, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एंटर कर दी वैल्यू 40 तक, ठीक है, अच्छा, उस बच्चे से हम कहेंगे कि आपने एंटर खुद से करना है, यानी जो डेटा एंटर कर रहे हैं ना उसने एंटर करना है कि 40 से लेस है, तो उसको कैटेगरी कह दे वन, कैटेगरी क्या कह दे उसको, वन कैटेगरी डाल दे, तो हम उसको कैटेगरी को कह रहे हैं ये बस पास है, बस, ठीक है। अच्छा, ऐड कर दिया, अगर उसकी कैटेगरी टू है इसका मतलब है वो कौन सी कैटेगरी, मैं दोबारा से कैटेगरीज लिख देती हूँ ताकि आपको जरा समझ भी आ जाए। मैं कैटेगरीज क्या डिफाइन कर रही हूँ, फर्स्ट कैटेगरी है उसके मार्क्स हैं लेस देन 40, टू हमने तब डालना है जब मार्क्स हैं 40 to 50, थ्री हमने तब एंटर करना है जब उसके मार्क्स हैं 50 to 60, ठीक है, और फोर उस वक्त डालना है जब 60 to 70, फाइव उस वक्त डालना है जब 70 to 80, और जब 80 से ग्रेटर मार्क्स हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो हमने क्या डाल देना है, सिक्स। अब हम यहाँ पर वो सब चीजें डिफाइन करेंगे जो यहाँ हमने ये लिखी है ना सारी, इसको हमने इसके अंदर एंटर कर देना है। टू के लिए मैंने क्या कहा, अच्छा, अब एक और चीज भी डिफाइन करनी है, वो ये कि इसको, चल मैं इसको थोड़ा साइड पे कर लूँ, विंडो बिल्कुल सेंटर में है, थोड़ा साइड पे कर लेते हैं इसको, चलिए ड्रैग कर लिया, थोड़ा सा और कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं ये बताना आपको चाह रही हूँ कि ये कि आपने लेस देन 40 है तो हम इसको क्या ग्रेड दें, जी इसको हमने ग्रेड देना है कि ये बस पास है,
क्या है ये सिर्फ पास है। जब ये वाली कैटेगरी है तो हम कहते हैं कि ये डी है, इस कैटेगरी को हमने सी कहना है, इस कैटेगरी को हमने बी कहना है, इस कैटेगरी को हमने ए कहना है और इस कैटेगरी को हमने ए प्लस कहना है। ठीक है नहीं? अब इसके हिसाब से हम डिफाइन करने जा रहे हैं, एक इस कॉलम को डिफाइन करेंगे और इसके हिसाब से। ठीक है, तो वन को क्या डाला पास, टू को क्या डालेंगे, टू को डालेंगे हम डी डी और साथ ऐड का बटन क्लिक करते जाना है। ठीक है, थ्री को क्या डालेंगे थ्री, फिर टैब प्रेस किया तो लेबल पे आ गया, हमने यहाँ आके लिख दिया कि ये है हमारा कैपिटल सी सी और साथ ही ऐड का बटन क्लिक किया। अब हमने फोर लिखा, फोर और इसको हमने टैब प्रेस किया कि फोर क्या है, फोर है जी हमारा बी, कैपिटल बी। ठीक है जी, और ऐड कर दिया। फिर हमने लिखा फाइव और यहाँ से लेबल में जाके हमने इसको लिख दिया कि ये क्या है हमारा कैपिटल ए। ओके, और फिर हमने सिक्स डाला और सिक्स के साथ इसका टैप में डाला हमने ए प्लस, ए प्लस ए की साइन डालना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, ये प्लस डाल दिया और ऐड कर दिया, ये हमारी कैटेगरीज डिफाइन होगी। एंड देन ओके, यहाँ से ओके कर दिया। कोई कैटेगरी गलत हो गई है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, किसी को कम करना है तो डिलीट कर सकते हैं, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। अब आप देखें कि जब हम वैल्यूज में यहाँ पर व्यू करेंगे तो आपको देखो ये नजर आ रहा है कि ये कैटेगरीज बनी हुई, जो भी मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया तो पूरी विंडोज में सारी बनी हुई आ गई कि हमने कौन कौन सी जो है वो डिफाइन की हुई है, वो सब इसमें नजर आ रही है। अब मैं एक वेरिएबल आपके सामने और बना लेती हूँ, वो वेरिएबल बनाती हूँ आपका जेंडर का। अब जेंडर या सेक्स का, अब ये जो वेरिएबल है न्यूमेरिक टाइप का तो नहीं होगा, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, स्ट्रिंग हम कहते हैं कि जी या तो मेल आएगा या फिर फीमेल आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का आ गया और ओके कर दिया। अब हम इसमें वैल्यूज डिफाइन करते हैं। फीमेल का स्पेलिंग जा रहा है FEMALE, पांच छह करेक्टर्स तो हैं, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 8 का 80। ये हम लिख देते हैं जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, अगर ये को एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी की क्लास है जेंडर। ठीक है, और इसमें वैल्यूज क्या डालेंगे कि जब भी मैं वन लिखूं तो कंसिडर करें दिस इज फीमेल। ठीक है, दिस इज फीमेल, और जब मैंने उसको ऐड कर दिया, और जब मैं लिखूं टू तो उसको ले ले कि ये मेल। चलें, काफी है तो नहीं कि तीसरा भी डाल दें, ट्रांसजेंडर डाल सकते हैं। ठीक है, हमारी मर्जी, हम डाल सकते हैं, लेकिन बस हम इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ओके, डन हो गया। चलें, अब हमने इसको यहाँ से क्लोज कर देना। अच्छा, ये कॉलम्स का एक और नजर आ रहा है ना आपको, ये वो कॉलम्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आपने इस वक्त देखा ये सारे कॉलम्स इक्वी डिस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत तंग है, ये बहुत तंग है, ये खुला हो गया, फिर ये बराबर से हैं, ये थोड़ा नैरो हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, ये फिर नैरो हो गया। इस विड्थ को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉलम्स, ये सारी कॉलम्स की विड्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा ये लेबल बड़ा है, इनके साइजेस छोटे हैं, ये न्यूमेरिक को लिखने के लिए उन्होंने जरा साइज इतना किया, वेरिएबल हमारा थोड़ा बड़ा होता है इसलिए बड़ा हो गया। अब हमने इसको जब डेटा एंट्री करनी है तो हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है कि हमने किस तरह की डेटा एंट्री करनी है, कितना बड़ा साइज आ सकता है, तो कॉलम की विड्थ उसके हिसाब से हमने सेट कर लेनी है। जैसे हमें पता है नेम जो है ना वो काफी बड़ा करेक्टर आता है, तो 8 काफी नहीं है, जैसे अभी सैयदा आयशा सईद है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको 8 से बढ़ाकर कहाँ कर देना चाहिए 20, अदरवाइज हम वो अकोमोडेट हो जाएगा 8 में भी, लेकिन हमें स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा, बाकी सारा हाई डुबा होगा। ठीक है, अब जी मैं इसको रब करती हूँ और अब आपके सामने बनाते हैं ये दूसरी साइड पे। ये देखें, वेरिएबल व्यू के साथ ही एक और व्यू यहाँ पर है डेटा व्यू को। तो वेरिएबल का मतलब है कि हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, जब वेरिएबल डिफाइन हो गए तो फिर हमने डेटा एंटर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन वेरिएबल्स फ्रॉम द वेरिएबल व्यू, वंस वेरिएबल हैज बीन डिफाइंड देन यू शुड क्लिक ऑन डेटा व्यू टू एंटर द डेटा। अब हम इस पे एंटर करने जा रहे हैं, ये देखिए मैंने इस पे एंटर कर दिया, येलो हो भी गया और दूसरी स्क्रीन खुल गई। अब आप देखें इसमें भी जो रिमेनिंग सारे वेरिएबल्स की कॉलम्स हैं जो हमने डिफाइन नहीं किए, सबका साइज क्या है, सेम है ना, 8 साइज है कॉलम का, क्योंकि हमने चेंज ही नहीं किया, छेड़ा ही नहीं, सिर्फ हमने छेड़ा किसको है, इसको, मैंने साइज क्या कर दिया था इसका 20 नेम का।
अच्छा अब आप देखें वेट मार्क्स स्टडी टाइम ये सारे जो है इनके साथ स्केल लिखा हुआ है, नंबर ये भी स्केल लिखा हुआ है, जबकि नॉमिनल जो है उनके साथ ये देखें ये जो इस तरह का साइन बना हुआ है वो नॉमिनल को शो करता है। ठीक है जी। अच्छा अब हम यू करते हैं कि क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, अब डेटा एंटर करते हैं। ठीक है अब हमने इसमें रोल नंबर एंटर करना है। ठीक है तो रोल नंबर अब ये डेटा एंट्री आप कर लेंगे, एक में एंटर कर देती हूँ फिर हम कुछ और पढ़ते हैं थ्योरेटिकल थोड़ा सा। ठीक है इतना सर्वियन हो जाएगी। और मैंने ये आपसे कहा था और आज दोबारा कह रही हूँ कि आपका आपके असाइनमेंट है कि आपने ऐसी वर्कशीट बनानी है जिसमें यही वेरिएबल होंगे और अपनी पूरी क्लास का डेटा आपने एंटर करके मुझे सेंड करना है और मैं आपको उसमें गूगल मीट पे ठीक है गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट भेज दूंगी। ठीक है जिसमें आपने ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करानी होगी। जैसे रोल नंबर मैं कहती हूँ आपका क्या 59 से शुरू होता है, मेरे पास अभी रजिस्टर गाड़ी में पड़ा हुआ है। क्या रोल नंबर है? चलिए पहला रोल नंबर 19 से मैम 19 19 आगे 20 20 20 25 25 40 ऐसे जी 40 फिर 7000 001 ऐसे है 001 ये ज्यादा लिखवा दिया इन्होंने। ओहो ज्यादा हो गया, एक जीरो ज्यादा शायद 20 नहीं है 25 है 20 नहीं है 25 है और एक जीरो भी ज्यादा हो गया ऐसे। अब ठीक है अब जी मैम अब ठीक है चलो ओके। अगर आपके पास चलो ठीक है यहीं पे है तो ठीक। अब नेम क्या है इस बच्ची का? What is the name of this student? Mam Aliza Tajammal. ठीक है, Aliza. चले Tajammal. हो सकता है ये से लिखती हो। बहरहाल इसका वेट कितना है जी? आई हुई आज Aliza आई हुई आप? Aliza Tajammal? No ma'am. अच्छा चलो कितना वेट होगा, हाइट कैसी है इसकी? मैम के काफी स्लिम है। अरे मैं चलो 50 लिख लेते हैं। ठीक है अच्छा मार्क्स क्या थे इसके सारों को? ओह देखो अब कितना बुरा लग रहा है पॉइंट लगे हुए है ना मैम 35 किया। हां मैम 35 हो गई मुश्किल से। ओए होए मैम वो बहुत स्लिम बहुत ज्यादा लोगों की नजरों ने उसको 35 केजी का है, बल्कि हमें ना इसमें लिख के आना चाहिए वेरिएबल व्यू में वेट इन केजीज है ना, वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन केजीज हम यहां लिखें। इसके अंदर मैं दोबारा एडिटिंग कर देती हूँ इन केजी। हम ना यहाँ से इसकी विड्थ को ऐसे अपनी मर्जी से भी ड्रैग करके कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, किसी को भी कम ज्यादा कर और करना है ना, कोई नाम अकोमोडेट नहीं हो रहा। जिस तरह एक्सेल की शीट को हम यहाँ से ड्रैग करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है अच्छा वेट हो गया 35 केजी। अच्छा मार्क्स कितने आए होंगे इसके? अगर हम टोटल मार्क्स कितने थे आप लोगों के? 600 500 तो कितने आए होंगे इसके? 400 लिख लें, ऐसे ही लिख रही हूँ मैं तो रेंडम। आप लोग तो उसकी पिक्चर खींच लेना, डिस्प्ले में आपका लगा होगा उधर नोटिस बोर्ड पे आपका रिजल्ट, उसकी पिक्चर खींचना और रिजल्ट बना के मुझे भेज देना। ठीक है अच्छा अब देखो स्टडी टाइम पूरा लिखा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि टाइम का वेरिएबल बड़ा है, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग किया पूरा आ गया उसमें जी। कितने घंटे पड़ती होगी? चलो जी इसका आप लोग पता ही नहीं है, 5 घंटे पड़ती है। चलो आप लोग परेशान ना हो जाना, हो ये तो बहुत ही पड़ती है। अच्छा अब मैं 1 लिख दूँ तो खुद वन लिखेंगे तो ये फीमेल आ गया। ठीक है अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा और जो ही मैंने इधर पीछे क्लिक किया तो वो मेल आ जाएगा। ठीक है तो ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए मेल फीमेल डाला, अदरवाइज तो हम कुछ भी डाल सकते थे। अच्छा मार्क्स सॉरी मार्क्स में हमने डालना था कि किस कैटेगरी में मार्क्स आते हैं, तो 400 मार्क्स थे 40% अगर परसेंट हमने परसेंटेजेस में बनाया था ना 40 to 50, 50 to 60 तो 400 by 500 तो कितने बना 480% 80% बना ना क्या नहीं तो 80% को हमने नहीं हमने नंबर क्या दिया था 80% को 5 दिया था शायद। ठीक है ना
हम फाइव लिखेंगे, हम नंबर लिखेंगे सिर्फ 1 2 3, वो खुद ही उसमें एच एन चला जाएगा, ठीक है। हमने नंबर्स डालने हैं, जैसे यहाँ पर किसी को नंबर हमने 4 नंबर दे दिए हैं कि 4 कैटेगरी में था, वो नंबर्स वो लिखे हुए थे पहले से। किसी की कैटेगरी हमने लिख दिया, चले जी 1 है, बहुत मुश्किल पास ही होगी ये, तो फिर हम नीचे किया तो वो पास हो गया, ठीक है। और इस तरह बाकी सारी एंट्रीज जो यहाँ पर रिमेनिंग कॉलम्स हैं वो सब एंट्रीज आपने इसमें करके अप टू 36 तक सब कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। फाइल कैसे सेव होनी है, यहाँ फाइल पे हमने जब क्लिक किया तो देखेंगे इतने सारे नीचे ऑप्शन है जी गर्ल्स, ये देखें फाइल के अंदर न्यू है, ओपन है, इम्पोर्ट डेटा, सेव, सेव एज। हम जो मोस्टली इसमें यूज करेंगे वो चीज होगी आपकी, हमने क्लिक किया फाइल को, सेव, सेव एज, ठीक है। सेव एज का बटन जो है हमने इसको क्लिक करना है, ठीक है। सेव एज क्लिक किया तो यहाँ पर उसने कहा कि किस तरह से सेव फाइल का नाम रखना है और वो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर एक्सटेंशन क्या आ रही है, static.savv, by default इसकी savv आती है, आपने इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अब फाइल नेम आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे रख लेना है, कहाँ पर सेव करनी है वो आपने एड्रेस भी खुद से दे देना है, ये साइड पे एरो लिखा हुआ है, आप उस एरो को सिलेक्ट करके जिस जगह किसी फोल्डर में किसी अंदर जाके आपने सेव करनी है वो आप अपनी मर्जी से सेव कर सकते हो, और यहाँ से आपने सेव के बटन को क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब देखिए मैंने यहाँ से करने जा रही हूँ, दोबारा से इसको क्लियर कर दूँ और अब इसको भी क्रॉस कर रही हूँ। Yes.